You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितेश ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो का टॉपिक हमने पढ़ लिया होगा कि है मतलब कि हम अपना जिम में वर्कआउट अच्छी तरह क्यों नहीं कर पाते हैं, या फिर हम जिम में अच्छी तरह अपना बेस्ट 100% क्यों नहीं दे पाते हैं। ये प्रॉब्लम मेरे से भी शुरू में बहुत मैंने फेस की थी। मेरे से भी शुरू में अच्छी तरह वर्कआउट नहीं किया जाता था जब मैं बिगिनर था जिम में, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। और काफ़ी लोग हैं जो बिगनर, जिन्होंने अभी वर्कआउट शुरू करा हुआ है, जिन्होंने जिम जाना भी शुरू करा हुआ है, उनको इस बारे में पता है नहीं कि ये चीज़ भी कितना इंपॉर्टेंट है उनके वर्कआउट के लिए, या फिर ये चीज़ कितना इफ़ेक्ट कर सकती है उनके वर्कआउट को, और कितनी हेल्प कर सकती है कि जो उनकी ड्रीम फिजिक है या ड्रीम जो उनका है या जो बॉडी उनका जो मतलब उन्होंने बॉडी अचीव करनी है उसको हेल्प करने में। तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पे शो हो जाएगा, या फिर आप मेरी वीडियो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं अपना कोई भी डाउट, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, हमारा वर्कआउट अच्छा क्यों नहीं जाता है, या जिनका अच्छा जाता है उनका उसके पीछे रीज़न क्या है? तो हमारा वर्कआउट कैसे जाकर डिपेंड करता है कि हम जिम से 1 से 2 घंटे पहले क्या करते हैं। जो दो मेन फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हमारे वर्कआउट को, वो है एक तो रेस्ट और है प्री वर्कआउट मील या प्री वर्कआउट ड्रिंक। जी हाँ, रेस्ट मतलब जो हमारी बॉडी को कम से कम 1 से 2 घंटा रेस्ट चाहिए होता है वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले, ताकि जो हमारे मसल है बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और जो हमारा माइंड है वो बिल्कुल रेस्ट स्लीप मोड पर चल जाए एक टाइप का, जिससे कि हमारे माइंड में और कोई स्ट्रेस ना हो। और दूसरा जो है प्री वर्कआउट मील, इसलिए क्योंकि जो प्री वर्कआउट मील है वही एक चीज़ है जो आपको वर्कआउट करने में एनर्जी देती रहेगी। और प्री वर्कआउट मील को कम से कम 1 घंटा पहले कंज्यूम करनी होती है। ये नहीं कि आपने कुछ सपोज लंच करा हुआ है या आपने 4-5 घंटे पहले मील कंज्यूम करी है तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कम से कम 40 से 45 मिनट या एक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटा पहले अपनी मील्स लेनी है, जो कि आपको आगे वर्कआउट में हेल्प करेगी। काफ़ी लोग प्री वर्कआउट मील की जगह प्री वर्कआउट ड्रिंक भी लेते हैं, जो कि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट होता है। हाँ, वो पर सप्लीमेंट आ जाता है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उसको तो बेटर ऑप्शन है कि आप मील पर जाए। बस खाली डिफरेंस ये होता है प्री वर्कआउट ड्रिंक और प्री वर्कआउट मील में कि जो प्री वर्कआउट ड्रिंक होती है वो जल्द से जल्द हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाती है, और प्री वर्कआउट मील की जो मील होती है क्योंकि वो सॉलिड होता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। आप प्री वर्कआउट ड्रिंक अगर ले रहे हैं तो आप लेना चाहते हैं तो आप उसको 15 से 20 मिनट पहले अपने वर्कआउट के ले सकते हैं। और अगर आप मील ले रहे हैं, कोई सॉलिड फूड ले रहे हैं, तो आपको कम से कम 1 घंटा पहले लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी बॉडी को सॉलिड फूड को ब्रेक डाउन करने में टाइम लगता है। अब जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं जब वर्कआउट करता हूँ तो मैं उससे 1 घंटा पहले अपनी मील कंज्यूम करता हूँ। जैसे मेरी फेवरेट प्री वर्कआउट मील है 2 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड, 2 टेबलस्पून पीनट बटर, 1/2 कप ब्लैक कॉफ़ी, और कोई भी फ्रूट ले लेता हूँ साथ में। मैं ऐसे में यूजली एप्पल लेना पसंद करता हूँ, आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बड़े सारे ऑप्शन है प्री वर्कआउट मील के, जैसे बॉइल्ड पोटैटो ले लीजिए आप, उसमें थोड़ा दही मिक्स करके ले सकते हैं, ये एक बेटर ऑप्शन है। ओट्स सबसे बेस्ट ऑप्शन माना गया, आप ओट्स लीजिए, बॉइल्ड ओट्स, और साथ में 2 टेबलस्पून पीनट बटर ले लीजिए साथ में। तो क्योंकि वर्कआउट से पहले हमें थोड़ा सा प्रोटीन और थोड़े से ज़्यादा कार्ब्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वर्कआउट करते टाइम हमें तो कार्ब्स ही चाहिए, क्योंकि कार्ब्स ये जो हमें बॉडी को एनर्जी देते हैं अपनी बॉडी को पुश करने के लिए वर्कआउट के टाइम, यहाँ ज़्यादा लिफ्ट हैवी लिफ्ट करने के लिए। तो गाइज, ये था एक रीज़न जो मेरे को लगता है कि एक मेजर रीज़न है जो जिसके कारण हमारा वर्कआउट अच्छी तरह पूरा नहीं होता है, हम अच्छी तरह वर्कआउट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अगर आप में से भी किसी के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि आप वर्कआउट नहीं अच्छी तरह कर पाते हैं, तो आप प्री वर्कआउट मील अगर आप नहीं लेते हैं तो आप ज़रूर लीजिए प्री वर्कआउट मील, और अपनी बॉडी को एक अच्छा खासा रेस्ट दीजिए वर्कआउट करने से पहले। डेफिनेटली आपको अपने वर्कआउट में थोड़ा चेंज दिखेगा, आप अच्छी तरह लिफ्ट हैवी लिफ्ट कर पाएंगे, अच्छा वर्कआउट परफॉर्म कर पाएंगे जिम में। तो मैंने आपको 2 ऑप्शन बता दिए थे, एक प्री वर्कआउट मील है जो मैं खुद लेना प्रेफर करता हूँ, और अगर वो कोई सप्लीमेंट लेना है प्री वर्कआउट सप्लीमेंट, तो जो अच्छे सप्लीमेंट्स हैं 3-4 जिनके अच्छे रिव्यू है, तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और बाकी जो मील्स हैं मेरी जो प्री वर्कआउट मील्स हैं, मैं जल्द उस पर वीडियो लाऊंगा कि उसकी रेसिपी क्या है, या फिर बता दूंगा मैं कौन कौन सी मील्स आप ले सकते हैं ज़्यादा इफेक्टिव है, और साथ में उनके मैक्रोज भी बता दूंगा।
तो गाइज ये था आज का वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और उन लोगों से शेयर कर देना जो जिन्होंने अभी जिम जाना शुरू किया हुआ है, ताकि वो ये गलती ना करे। थैंक यू।